लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के दो इम्पोर्टेंट इनपुट यूनिट्स कीबोर्ड और माउस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट नोड्स के साथ। तो सबसे पहले सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो डिस्कस करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो कंट्रोल यूनिट इनपुट यूनिट से आए हुए इंस्ट्रक्शंस या फिर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर मेमोरी यूनिट एंड ALU के पास भेजता है। अब देखते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का एक कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर के सारे डाटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, कोड्स, प्रोग्राम्स जैसे चीजों को स्टोर करके रख। तो मेमोरी यूनिट के अंदर टू सेक्शंस आते हैं जिन्हें हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर RAM और ROM आते हैं। तो व्हाट इज RAM? RAM स्टैंड्स फॉर रेंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम कोई भी प्रोग्राम, डाटा या फिर कोई फाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो प्रोग्राम का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे सबसे जरूरी होता है वो RAM में स्टोर होता है। इसके बाद हम उस प्रोग्राम या फिर फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अंदर ही हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल जैसी सारी चीजें स्टोर होती हैं। इसके साथ कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अब आता है ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU सारे इनपुट्स और आउटपुट डिवाइसेस को अपने हिसाब से यूज कर सकता है डाटा को प्रोसेसिंग या फिर लॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड और एक्सक्लूसिव और जैसे कि सारे लॉजिकल एक्टिविटीज को अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही हैंडल करता है। तो आज की वीडियो था सीपीयू के पार्ट्स और उनके बेसिक फंक्शनलिटी के बारे में। अगले वीडियो में हम कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।